हेलो फ्रेंड्स, आज हम छठी कक्षा हिंदी विषय का पाठ पांचवा आओ आयु बताना सीखो, ये पाठ हम आज सीखेंगे। कि ये जो पाठ है एक ट्रिक है ना, जादू जैसी होती है, ऐसे ट्रिक पे आधारित है। और उस ट्रिक का अवलंब करके आप अपने मित्र की उसकी आयु कैसे बता सकते हो, तो ये ट्रिक इधर दी है। देखो पहले क्या करना है, अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहें। उसकी जो भी वर्तमान आयु हो उसमें अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहे। मतलब ये सब जो योगफल हो या गुणनफल हो, मतलब प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो करना है इसमें, वो सब मन में करना है। अपने मित्र को बोलो कि उसकी जो वर्तमान आयु है उसमें अगले वर्ष की आयु जोड़ें। समझो उसकी वर्तमान आयु 10 है, आपको मालूम नहीं है, ठीक है, आपको मालूम नहीं है कि उसकी आयु क्या है। उसने अपने मन में रखा है कि 10, उसकी वर्तमान आयु 10 है, मन में ही वो विचार कर रहा है। और अगले वर्ष की आयु फिर होगी 11, तो ये जोड़ने के लिए कहें। मतलब उसने जोड़ी, मन में ही है उसके नंबर, कितना हो गया है 21, है ना, 21 हो गया है। तो ये 21 आंकड़ा जो है वो उसके मन में है, आपको मालूम नहीं है, सिर्फ आपको पूछना क्या है उसको कि उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ो, तो वो जोड़ेगा। मन में उसके 21 ये आंकड़ा फिक्स हो गया, ठीक है। फिर बाद में क्या करना है, उसे इस योगफल को, मतलब प्लस किया है ना बेरीज, उसको 5 से गुना करने के लिए कहे। मतलब उसके ही मन में करना है, आपको मालूम नहीं है। 21 गुना 5 105 हो गया, उसके मन में ही 105 आंकड़ा है। आपने सिर्फ क्या कहा है, उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़े, उसने जोड़ी, फिर उसे जो भी आंकड़ा आया है उसको 5 से गुना कर, तो उसने किया, उसके मन में ही आंकड़ा है वो 105, आपको मालूम नहीं है। और ये जो प्राप्त गुणनफल है उसमें अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहे उसको। समझो उसका जन्म वर्ष 2004 है, तो उसको क्या बोलो कि इकाई अंक, मतलब मराठी में बोलते हैं ना एकक स्थान सा अंक, वो उसको जोड़ने से कहे। मतलब पहला था इसका 105 प्लस 4 करना है, तो वो अपने मन में ही करेगा, आपको एक भी नंबर नहीं बताएगा, ठीक है। फिर 105 प्लस 4 109 हो गए, ठीक है, 109 हो गए। तो ये पूरे नंबर में से, मतलब उसके मन में जो नंबर है 109 आपको मालूम नहीं है, उसमें से 5 घटा दे। आपने कितने से गुना करने के लिए कहा था उसको, 5 से गुना करने के लिए कहा था आपने, तो आपने और क्या किया, मेरा जो 5 तूने गुना करने के लिए लिया था वो मेरा 5 घटा दे उसमें से। फिर 109 था तो 109 में से अपना 5 ले लिया हमने, 104 ये नंबर उसके मन में रह गया, तो 104 में से ये जो आगे 10 रहता है ना, 4 से आगे 10, तो ये आपके मित्र की आयु है। और आपको
एक ट्रिक बताता हूँ कि जितना भी नंबर आप जितने नंबर से आप उसको गुना करने के लिए कहोगे उससे डबल उसकी आयु होती है। ठीक है, समझो आपने बोला 5 से गुना कर दें तो उसकी आयु होगी 10। देखो नीचे दिया है कि समझो तुम्हारे मित्र की आयु 10 वर्ष और जन्म वर्ष 2004 है, तो वर्तमान आयु 10 हो गई, अगले वर्ष की 11 हो गई, तो 11 और 10 21 हो गया, है ना। 21 गुना 5 105 हो गया, आपने गुना 5 करने के लिए कहा था ना, 105 हो गया। फिर 105 से 5 में जो आपका जन्म वर्ष का आखिरी इकाई अंक है वो जोड़ दें 105 में, और 4 जोड़ दिया 109 हो गया, और 109 में से फिर 5 वापस ले लिया 104 हो गया। तो 104 की बाई ओर के जो दो अंक है 10, वो तुम्हारे मित्र की आयु है। तो इसे आप अपनी परिजनों परिचितों अन्य मित्रों के साथ ये ऐसे उनकी आयु बताकर आश्चर्यचकित कर सकते हो, और प्रत्यक्ष करके देखो आप। आपके पास हिंदी की बुक है उसमें पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13 पे आओ आयु बताना सीखो, उसमें कैसे वो ट्रिक करनी है, पहले क्या करना है फिर बाद में उसको क्या करना है, ये सब स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो उसको अवलंब करके आप अपने मित्र की अपने परिचितों की परिजनों की आयु बता सकते हो और उनको आश्चर्यचकित कर सकते हो। तो ये जैसे कि मैजिक की तरह है, तो आप अपने मित्रों के साथ करो और उनकी आयु बताकर उनको आश्चर्यचकित करो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम महाराष्ट्र की बेटी अंतर बताओ ये सीखेंगे। थैंक यू।